हेलो गाइस, आई एम अभिषेक चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी। व्हाट इज फिजियोथेरेपी, इट्स फुल डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोथेरेपी की डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिग्री कोर्स 4.5 ईयर, मतलब 4 साल की डिग्री और 6 मंथ की इंटर्नशिप के साथ होती है, और इसकी डिप्लोमा भी होती है, लेकिन इस वीडियो में मेनली हम डिग्री कोर्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले फिजियोथेरेपी की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4 साल आपकी क्लासेस चलती हैं और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इसकी एलिजिबिलिटी में नीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लास 12th के बेस पर होती है, लेकिन क्लास 12th में PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसका एडमिशन कुछ कॉलेज में एंट्रेंस बेस होता है, कुछ कॉलेज में मेरिट बेस होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कॉलेज कराते हैं वो खुद का कंडक्ट कराते हैं और फिर अपना एक मेरिट बनाकर एडमिशन लेते हैं। जिन कॉलेज में मेरिट बेस एडमिशन होता है उनमें 12th की मेरिट के हिसाब से एडमिशन लिया जाता है, और 12th कहीं कहीं पे 12th में पूरे सब्जेक्ट का मेरिट ना लेकर के केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही मेरिट देखा जाता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश का मेरिट छोड़ दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स को करने में फ़ी कितनी लगेगी, खर्चा कितना आएगा इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने में। तो 60K to 1.5 लाख पर ईयर, या और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, किस स्टेट में है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ये फीस उस पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी होगी फिर भी लगभग 60K तो लगना ही लगना है फर्स्ट ईयर में, एंड 1.5 लाख ये प्राइवेट कॉलेजों में कुछ कुछ जगहों पर लगती है, और ये और ज़्यादा भी हो सकती है, ये पूरी तरह से कॉलेज पर डिपेंड करती है। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी सैलरी 8,000 से 20,000 के बीच में विदाउट एक्सपीरियंस, लेकिन ये आगे बढ़ती जाती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितना काम किया है फील्ड में। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा तो सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको PT लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर PT नहीं लगाएंगे तो ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2003 में एक आदेश दिया था जिसमें बोला था कि अगर फिजियोथेरेपी वाले तो लोग डॉक्टर लगा सकते हैं, उनको लास्ट में PT लगाना पड़ेगा। ज़्यादा ही पे करते हैं अपनी फिजियोथेरेपी के लिए, कोई भी इंजरी हुई, मसल्स में इंजरी हुई या फिर और भी कुछ भी हो गया तो सीधा फिजियोथेरेपी का ही ज़रूरत पड़ता है। बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप अपनी हायर डिग्री के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए आप MPT कर सकते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। इसमें अलग अलग आप कार्डियो में कर सकते हैं, आर्थो में कर सकते हैं, स्पोर्ट इंजरी में कर सकते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, और भी सारे अलग अलग होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोल के आप खुद बैठ सकते हैं, और आप होम विजिट भी कर सकते हैं। होम विजिट के अंदर लोग काफ़ी अच्छा खासा अर्न करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। एक होम विजिट करने में लगभग 700-800 मिनिमम चार्ज होता है, तो अगर आपने दिन भर में 3-4 ही कर लिया तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं होम विजिट करने के बाद। फॉरेन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, विदेशों में बहुत मांग रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की। सब्जेक्ट इसके फर्स्ट ईयर में, मेरे बहुत सारे दोस्त फिजियोथेरेपी कर रहे हैं सब फर्स्ट ईयर, तो उनके में एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है एंड साइकोलॉजी है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये लगभग हर पैरामेडिकल कोर्सेज में सभी में रहती हैं, चाहे वो
ऑप्टोमेट्री हो, रेडियोलॉजी हो, या फिर इवन MBBS और BDS वगैरह में भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस कोर्स में इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट आपकी एनाटॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी की हेल्प से ही आप ये डिफाइन करते हैं कि इंजरी हुई है तो किस मसल में हुई है, कौन सी बोन के पास हुई है, तो सारी चीज़ें एनाटॉमी आपकी इसलिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने फिजियोथेरेपी के ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन फीस, सैलरी और स्कोप के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू।